हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मल्लिका चोपड़ा एंड आज का ये वीडियो डिस्कशन है अबाउट द टॉपिक कि आप अपने एमबीए प्रोग्राम को, अपनी एमबीए डिग्री को कैसे बहुत फ्रूटफुल बना सकते हैं। दैट इज़ हाउ टू मेक योर एमबीए डिग्री अ वेरी फ्रूटफुल वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है रिसर्च पेपर्स। अगर हम अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, चाहे वो हम किसी फ्रेंड के साथ लिखें या किसी हम प्रोफेसर के साथ टीम अप कर लें या हम सोलो भी लिख सकते हैं। सो, अगर हम कोई अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं देन वो हमारे सीवी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप रिसर्च पेपर्स अपनी ही स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड लिखते हैं देन नथिंग बेटर देन दैट। तो मेक श्योर कि आप अपने एमबीए के टाइम पे कुछ अच्छे रिसर्च पेपर्स ज़रूर लिखें। देन मूविंग अहेड कि हमारे को हमारे एमबीए के टाइम पे जो भी कोई असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम कभी भी उनको कॉपी पेस्ट ना करें। अगर हम उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो फिर उन असाइनमेंट्स का, उन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा क्या हुआ। हमारे को वो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स इसीलिए दिए जाते हैं सो दैट कि जो हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी वो हमारे दिमाग में रहें, और जब तक हम उन्हें खुद से नहीं करेंगे तब तक हम उनके बारे में बोल कैसे पाएंगे। तो कभी कहीं पे भी हो सकता है कि कोई आपके पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे ही कोई ऐसा क्वेश्चन उठ जाए जिससे आपको लगे कि हाँ, ये हमने जो खुद से प्रोजेक्ट किया था हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उन प्रोजेक्ट्स को, उन असाइनमेंट्स को खुद से करें सो दैट वो आपके दिमाग में रहेंगे हमेशा। मूविंग अहेड वी सी दैट हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पार्टिसिपेशन। तो बिजनेस स्कूल्स में काफ़ी ऐसे कॉन्टेस्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन काफ़ी मायने रखती है। ऐसा भी कई बार होता है कि हमारी कंपनीज जो आने वाली हैं कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए, वो भी कई बार कुछ कॉम्पिटिशन्स रखवाती हैं। तो वो कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेना और पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम उनको अपनी कंपनीज़ में चाहते हैं कि हमारे सिलेक्शन हो जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज़ बताती नहीं है कि हम प्लेसमेंट्स के लिए आएंगे, बट वो कॉम्पिटिशन्स देके ऐसा देखना चाहती हैं कि कौन से कॉलेजेस के वो बच्चे हैं जो सच में उनके कॉम्पिटिशन्स में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप उन कॉम्पिटिशन्स को अच्छे से क्रैक करते हैं तो उन कंपनीज़ में आपके प्लेसमेंट्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीड। तो आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन हो उससे रिलेटेड अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जैसे मैं अपने एमबीए के टाइम पे मिंट फॉलो करती थी, तो आप कोई भी और न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। आप मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर। और अगर आप उसके बिजनेस एडिटोरियल पेजेस पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल्स आपके प्लेसमेंट्स के टाइम पे काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। आप अपने ग्रुप डिस्कशंस के टाइम पे, पर्सनल इंटरव्यूज़ के टाइम पे उनके बारे में, वो अगर आपने कहीं पे भी कोई भी फैक्ट और फिगर पढ़ा है आप उसको कोट कर सकते हैं। तो उससे रिक्रूटर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और उसको लगता है कि हाँ, ये इंसान इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे से वेल वर्स्ड है। तो वो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, उससे भी आपको अपडेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। आज के टाइम पे सिर्फ आपकी बुकिश नॉलेज कोई भी कंपनी प्लेसमेंट्स के टाइम पे नहीं चेक करेगी, वो ये भी देखेगी कि हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी पूरी इकोनॉमी की नॉलेज कैसी है, आपको पता है कि नहीं कि किसी और कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या वो अपने बिजनेसेस कैसे रन कर रहे हैं। आपको पूरे बिजनेस के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अपने प्लेसमेंट्स के टाइम पे। और ये चीज़ आप ओवरनाइट नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि कल मेरा प्लेसमेंट प्रोसेस है तो मैं कर लूं। इसके लिए एक लॉन्ग टाइम ज़रूरी होता है और इसीलिए ये एमबीए डिग्री 2 साल की होती है, सो दैट अगर किसी को रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं है तो वो 2 साल में इनकल्केट कर ले और फिर वो चीज़ प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन मूविंग अहेड वी टॉक अबाउट
दैट वी शुड हैव अ वेरी गुड इंटर्नशिप प्रोग्राम. ये चीज़ काफ़ी लोग सीरियसली नहीं लेते. कुछ लोग अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या सिर्फ इस चीज़ पे ले लेते हैं कि वो कितना अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के टाइम पे अर्न कर रहे हैं. सो दिस इज़ माय एडवाइस टू ऑल द पीपल वाचिंग दिस वीडियो कि अगर आप अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके इंटर्नशिप में आप कितना कमा रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप तो सिर्फ 2-3 महीने की बात होती है. आप ये सोचिए कि आप उस टाइम पे क्या सीख रहे हैं. आपका उस समय बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हैं और आप क्या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं अपनी कंपनी को. तो एज एन इंटर्न अगर आप कोई अपनी कंपनी को रिकमेंडेशंस देते हैं और अगर वो रिकमेंडेशंस आपकी एक्सेप्ट हो जाती हैं किसी कंपनी में, देन आप उसको अपने CV में ज़रूर लिखिए. वो आपके प्लेसमेंट प्रोसेसेस में बहुत काम देगी. और उसके लिए आपसे जब आप अपने फाइनल प्लेसमेंट्स में बैठेंगे तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आप अपने इंटर्नशिप के काम को कैसे कहेंगे कि हमारे लिए यूज़फुल है. तो अगर आपने अपना इंटर्नशिप खुद से बहुत अच्छे से किया है, देन आई एम श्योर कि आप उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हों. उसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इज़ दैट आप कितने अच्छे से अपने सब्जेक्ट के साथ वेल वर्स्ड हैं. सो इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी एक स्पेशलाइजेशन है, आप फाइनल प्लेसमेंट्स के टाइम पे बैठते हैं तो वो ये देखेंगे कि आपका, अगर उनको देखना है आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, तो वो ये देखेंगे कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उस थ्योरी को कैसे यूज़ कर रहे हैं. सो आपके जो भी मेजर थ्योरीज़ हैं आपके सब्जेक्ट के, मार्केटिंग में हम बात कर सकते हैं 4 P's की, HR में हम बात कर सकते हैं रिक्रूटमेंट या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता है, सो आपके जो भी मेजर थ्योरीज़ हैं किसी सब्जेक्ट के, उसको आप रियल वर्ल्ड के साथ और रियल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका अपने सब्जेक्ट पे कितना अच्छा होल्ड है. तो कंपनीज ऑब्वियसली ये देखेंगी कि आप, अगर आपका होल्ड आपके नॉलेज पे और आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा है, देन कंपनीज़ को ये पता चलेगा कि उनके काम जो आपको वो अगर रिक्रूट करते हैं और काम देते हैं तो उस पे भी आपका बहुत अच्छा होल्ड होगा. तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. और मेरी आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी आगे MBA करने का सोच रहे हैं या MBA कर रहे हैं, कि आप कभी भी अपने कोई प्रोजेक्ट्स को कॉपी पेस्ट मत करिएगा. काफ़ी रीड करिए आर्टिकल्स को, न्यूज़ को, अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा, क्योंकि ये मौका वापस नहीं आएगा. और आपके प्लेसमेंट्स में आप खुद फील करेंगे कि अगर आपके इंटर्नशिप्स बहुत अच्छे हैं, देन यू कैन रियली स्पीक वेल अबाउट देम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. स्टे सेफ, स्टे होम, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है हमारे से, देन यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब अस, डू लाइक आवर वीडियोस. थैंक यू, गुड बाय.